अस्सलामुअलैकुम। खबर की दुनिया से मैं हूं उस्मान अमान। नजर डालते हैं दुनिया हेडलाइंस पर। फजलुर रहमान ने हुकूमत को तालिबान से मुजाकरात के लिए सालसी की बाजाबता पेशकश कर दी। कहते हैं एतमाद की फिजा पैदा करने के लिए हर मुमकिन ताबुन के लिए तैयार हैं। कराची में जराइम पेशा ग्रुप मुनज्जम शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। लियारी में बड़े ऑपरेशन से गुरेज किया जाए। वफाकी हुकूमत ने महाजर रिपब्लिकन आर्मी का नया शोशा छोड़ दिया। यह आर्मी है कहां? कराची बदमनी पर वफाकी हुकूमत की रिपोर्ट हकायक के बरक्स निकली। रमजान और जिमनी इलेक्शन पुरम नहीं रहे, भत्ताखोरी भी उरूज पर है। चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी का कहना है कि कराची बदमनी की जिम्मेदार वफाकी और सूबाई हुकूमत है। लियारी सोमनाथ का मंदिर नहीं जो फता न हो सके। कोयटा में चचन बाशिंदों की हलाकत केस में नामजद मुलजिम साबिक पुलिस एहलकार रजा खान फायरिंग से जान बहक। गलतियां ना करते तो पेशावर की सीट हाथ से ना जाती। वजीर आला परवेज खटक का एतराफ, कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा को दुनिया का मॉडल सूबा बनाएंगे। और बल्लेबाजों ने निभाई जिम्मेदारी, बॉलर्स ने भी जान मारी। ग्रीन शर्ट्स ने जिम्बाब्वे को 90 रन से धूल चटाई। पहले वनडे में शिकस्त की सिफत मिटाई। दुनिया हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसीलात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट दुनिया न्यूज़.tv।